Hi, I'm Rekha Chawla. Welcome to Chawla Classes. हेलो गाइस, आज हम कुछ ही मिनटों में कंडेंस मिल्क और मिल्कमेड भी इसे कहते हैं, इसे हम घर पर तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट इसका बेकिंग एंड डेजर्ट में ना बहुत यूज होता है। आप इसे जल्दी से बनाकर रख दीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस मिल्कमेड से हम रबड़ी तैयार करेंगे, इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे। तो चले जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। को टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी बट सिंपल मेथड से बनाना है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, उसे एक ही बार प्रेस करें और बेल को भी दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें। इससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मिल्कमेड बनाना। यहाँ पर हाफ लीटर जो हम रेगुलर मिल्क यूज करते हैं वही लिया है, एक कप चीनी और 2 पिंच हमने बेकिंग सोडा लिया है। हेवी बॉटम पैन को गर्म कर लेते हैं, उसमें दूध को डालकर हाई फ्लेम पर उसे एक उबाल आने तक वेट करते हैं। सी एक उबाल आ चुका है, अब उसमें चीनी डालकर कंटिन्यू स्टर करते जाते हैं। यह दूध थोड़ा ज्यादा उफलता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा पैन लीजिए। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं, जब तक ये हाफ ना हो जाए क्वांटिटी में और इसकी कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी थिक ना हो जाए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दूध काफी थिक हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा को डालने के बाद कंटिन्यू स्टर करते रहिए, क्योंकि ये बहुत उफलने लगता है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज ओनली कैरामलाइज करने के लिए होता है। आप इसे बिना बेकिंग सोडा के भी बना सकते हैं। सी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है, इसे चेक करने के लिए आप जो स्पून से स्टर कर रहे हैं उसमें इस मिल्कमेड की एक कोट लग जाती है। इस स्टेज पर आप फ्लेम बंद कर दीजिए। इसे थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी पे रखिए, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा यह थिक होते जाएगा। आपका मिल्कमेड अगर ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है तो आप उसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क को ऐड कर दीजिए। और अगर ये ठंडा होने के बाद अभी भी उसकी कंसिस्टेंसी पतली है तो आप उसे एक उबाल फिर से दे दीजिए, वह नॉर्मल कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाएगा। आपका मिल्कमेड अगर ठंडा होने के बाद थोड़ा दानेदार हो गया है तो उसे थोड़ा सा हैंड मिक्सी से बीट कर दीजिए और उसकी एक स्मूथ कंसिस्टेंसी तैयार कर लीजिए। आपको इससे रिलेटेड और कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वाओ, लुक एट दिस, हमारा मिल्कमेड रेडी हो चुका है। अब हम इसे पोर कर देते हैं। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे लड्डुओं में, स्वीट्स में, केक्स में, एनी डेजर्ट्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे काफ़ी सारे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय। फ्रेंड्स, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देन बाय बाय।